पठानकोट का KDH होस्पिटल एक बार मुड़ सुर्खियां चा जी। अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारिया। यह सुर्खियां दे विच होण दी वजह मरीज नाल मारपुट करना। ते मतलब ये मुड़ा अं सवेरे जो अंदर गया तो मुड़ा फिर बेहोश हो गया। मैं फिर तो बेहोश हो गया, डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? अं सिर्फ इन्नी गल पुछी है तो डॉक्टर साहब पहले भड़क गया मेरे ते। डॉक्टर वालों इलाज के दौरान जी मरीज के नाल कुट मार की गई है। मैंने इसको डांटा कि ऐसे नहीं करना है, आगे से और अग्रेसिव हो गया। और बाद में जब मैं इनका एक अटेंडेंट को साथ लेके गया, ही स्लैप्ड मी ऑन माय फेस। इन्हां दा स्टाफ सानू कहिंदा है कि पहला तो ही पैसे जमा करवाओ, कहिंदे पहले सानू 15,000 रुपया दिओ, असीं तां बच्चे नूं दिखणा। पठानकोट का KDH होस्पिटल एक बार मुड़ सुर्खियां च। पिछे तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि यह KDH होस्पिटल है और अज यह सुर्खियां दे विच होण दी वजह मरीज नाल मारकुट करना। आरोप लगाए जा रहे हैं सुजानपुर के एक परिवार वालों कि उन्हां वालों अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए बच्चे नूं इत्थे लिया गया सीगा, पर डॉक्टर वालों इलाज के दौरान जिहड़ी आ उह मरीज दे नाल कुटमार की गई है, जिस नाल मरीज जिहड़ा मरीज की हालत जिहड़ी काफ़ी खराब हो चुकी है और मरीज नूं जिहड़ा दूसरे हस्पताल इलाज के लिए लिजाया गया। सो जिसले इस बारे आपां डॉक्टर दे नाल गल कीती तां डॉक्टर का तर्क कुछ होर ही सीगा। डॉक्टर ने यह दस्या कि जिहड़ियां सट्टां लगियां ने मरीज दे उह जिहड़ा बैड जिस बैड दे उत्ते उह लेटिया होया सीगा उहदे सिर ते रौड़ सीगी, उहदे नाल सिर वजन करके जिहड़ियां उहदे सट्टां आईयां ने। पर जेकर जिहड़ा परिवार पीड़ित परिवार है जेकर उह सच कह रहा तां डॉक्टर दा मरीज दे उत्ते हाथ चुकना किन्ना कु जायज़ आ किन्ना कु सही आ कमेंट बॉक्स दे विच दसना जरूर। कैमरा पर्सन लवकिश दे नाल सुखजिंदर कुमार, AMI न्यूज पठानकोट। पठानकोट का KDH अस्पताल जो कि अक्सर सुर्खियों में दिखता है, आज फिर एक बार ब्रेकिंग न्यूज बना है। वजह है कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती दिमागी तौर से बीमार मरीज से मारपीट करना। बताते चले कि सुजानपुर से मरीज इस अस्पताल में इलाज करवाने आया था, जो इलाज के दौरान थोड़ा भड़क गया और अस्पताल के डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करने की बजाय उसके साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिस वजह से मरीज के परिजनों द्वारा इस संबंधी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई ताकि उनके बच्चे को इलाज सही तरह से मिल सके। इस घटना को लेकर बड़ा सवाल ये है कि इलाज के बजाय डॉक्टर द्वारा मरीज पर हाथ उठाना कितना सही है। आइए जानते हैं इस संबंधी अन्य डॉक्टरों का क्या कहना है। इस संबंधी जब हमने डॉक्टर KD सिंह से बात की तो आइए सुनाते हैं उन्होंने इस संबंधी क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। सर एक तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी सीगी कि सपोज कोई पेशेंट जिहड़ा मेंटली अपसेट है ते जेकर वो हॉस्पिटल दे विच थोड़ा वायलेंट हो जांदा ते डॉक्टर मूवमेंट ओहदे नाल की करदे ने? कुछ नहीं करना, कोई टीका टूका ला के उहनू सैटल करन या कुछ उहनू कुछ ट्रीटमेंट करना पवेगा ना। उहदे कोई जे साइकोलॉजिकली अपसेट हो गया कोई साइकियाट्रिस्ट नूं दिखाउण, उहदे कोई इंजैक्शन लाउण उहनू, या फिर कई वारी उह शॉक वी देना पैंदा। ठीक है कि नहीं? सर ऐदा तो नहीं होंगे कि डॉक्टर अपने स्टाफ नूं कह दे कि इन्हूं कुटो? ठीक ठीक ठीक। नाले कि बंदे नूं पता ही नहीं कि भी वह बेचारे नूं की तकलीफ है। देखो एक तो हो ना जान के बंदा तंग करता हो फिर तो कुटो, एक बंदा कोई मैंटली अपसैट हो गया या किसी करके गड़बड़ हो गई कोई रिएक्शन होया या कोई मैंटल पेशेंट है तो उन्हूं कुटन का मतलब तो कोई ना। ठीक ठीक ठीक। वहीं इस संबंधी जब हमने डॉक्टर मुनीश कौल से बात की तो आइए सुनाते हैं उन्होंने इस संबंधी क्या प्रतिक्रिया दी। सर थोड़ी जी जानकारी लेनी सी मैं थोड़े कोलों कि जे थोड़े कोल कोई पेशेंट आंदा दिमागी तौर ते परेशान जो वायलेंट हो जे ते फिर थोड़े कोलों की कीता जांदा? सर दिमागी परेशानी एक ते हुंदे ने कि जस्ट कोई टेंशन होए। हां जी कोई हां दूजा पेशेंट वायलेंट हो जांदा? पेशेंट वायलेंट हो जांदा। हां सर जे पेशेंट मान लो कि मेंटली डिस्टर्बड है, मान लो कि पागल ने पाने जेनु कह लो जेदा आउट ऑफ दैट मेंटल स्टेट ही नहीं जेदी है, अगर वो वायलेंट हो जाए तो एक्सेप्टेबल है ना क्योंकि तो बेचारा है ही पागल। जी जी ठीक है ना। एक पेशेंट है जेड़ा कि अग्रेसिव हो जाता है तो जेड़ा कि मतलब कि जिन्हू थोड़ी डिप्रेस्ड है या जेड़ा जेड़ा थोड़ा ज्यादा सुसाइडल बिहेवियर है या कोई टेंडेंसी अगर वो फिर डिफरेंट करैक्टर आ जाता है ना। जे तो मेंटली डिस्टर्बड है तो उन्हें कंट्रोल तो करना ही पैना, एक बार जबरदस्ती थोड़ी जी करनी पैनी टीका लगाने लिए या सेडेट करने लिए। उन्होंने टीका लगा सिर्फ टीका लगाओगे या हाथ भी चुकया जा सकता? जबरदस्ती का देखो ना अलग अलग क्राइटेरिया, हम तुसी किसी ने जबरदस्ती चार बंदे पकड़ लैन तो उन्होंने आ भी कह सकते हो कि इन्हू कुटिया जा रहा है, हाथापाई की जा रही है उन्हें, क्योंकि जो पेशेंट इदा अग्रेसिव होंगे कई बार तीन तीन चार चार बंद पकड़ना पै जाता, वो कंट्रोल नहीं आते। तो डॉक्टर साहब जेकर फिर भी ना आए तो की डॉक्टर हाथ चुकते हैं चुक सकते?
ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਡੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨੀਂਦ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। वही संबंधी जब हमने सीनियर डॉक्टर सुनील चंद से बात की तो आइए सुनाते हैं उन्होंने इस संबंधी क्या प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई एक जनरली इन्फॉर्मेशन लेनी सी कि सपोज कोई पेशेंट आंदा दिमागो परेशान है, मेंटली अपसेट है, तो वो वायलेंट हो जाता, तो डॉक्टर उन्हें की करना चाहिए उस अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारिया की कारण सी? अजी कारण कुछ नहीं, कहते तू पता नहीं केड़े केड़े ड्रामे करी जान दिया है वो। एक्चुअली मैनू रीज़न प्रॉब्लम मेरी ये ही कि बेच ना कई बारी ना कम करते करते ना या फिर इदा ही मैनू ना बेहोश होता रहा मैं, तो एक और भी डॉक्टर है चिकित्सा च, तो उन्होंने मैं दसा कि तेरी नॉर्मल जी प्रॉब्लम है, बस ब्लड सर्कुलेशन जी प्रॉब्लम आती है जिसे करके तेनू होया, तो बस ये करके ना कहते तू एक एक्सरसाइज दसी उन्होंने मैं, तो मैं वो एक्सरसाइज करनी चालू की, मैं माड़ा मोड़ा फर्क लग्या बट फिर बाद चो नहीं लगे, फिर अं इतों दवाई खाधी आई सानू ना सही लग्या। उसके बाद च जो अं पिछली बारी आए ही इतने कई थोड़े दिन पहले, तो तीन चार दिन पहले अं इतने आए ही, तो अदों की होया जिदा ही अं आए ना इन्होंने ना मैनू ना एडमिट आहो मैं बेहोशी, तो अं राती आए, राती आए तो दिन तकर इन्होंने मैनू ना रखिया, तो माड़ी मोटी ट्रीटमेंट वगैरह दिता। उसके बाद चो ना दो दिन मैं बेहोश रहा, पहले दिन जो मैं आया तो उस तो अगले दिन मैं बेहोश रहा, तो अज अज सवेरे मैं मीनस कि प्रॉपर होश वगैरह आई दी थी, तो डॉक्टर वगैरह ने पूछा कि हाल चाल है, मैं भी कहता ठीक है। तो अचानक ना मेरी दीदी शाम कि कोई दोपहर ही कोई ना मेरे वास्ते ना दलिया खिलाने वास्ते लैके आए, तो मैं बड़े रमान ना दलिया खा लिया, तो मैं अपने लो सो गया। मैं सो गया तो ना मैं ना सुते ही डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने ना मैनू बड़ा मारिया, अठ चपेड़ा मारियाँ घट्टो घट मेरे ना मुँह के उत्ते इस पास। कहते तू कोई ड्रामे करेगा ना, तेन हों कुछ भी नहीं है, बस तू ड्रामे करना पैना, अगर मैं कुछ ड्रामे करता हाँ फिर मैनू भावें जिन्या मर्जी चूंडिया भोरो फिर मैनू कोई फर्क क्यों नहीं पैंता। एक्चुअली मीनस कि जिले मैं बेहोश हूं ना मैनू कुछ महसूस नहीं होंगे, मेरे टीके लाए जा मैनू चूंडिया भोरिया जा मेरे मुक्के मारे जा मैनू कोई फर्क नहीं पैंता जो मैं बेहोश होवं। तो अदों इस बारी की होया कि ना इन्होंने भी माड़ा मोटा ट्राई किया होना, नहीं होया होश आए, तो डॉक्टर ना मेरे बैड के उत्ते चढ़िया, उन्हें मैनू इन्ना मारिया अठ चपेड़ा मेरे उन्हें ना पहले मारिया, तो फिर ना मेरे हाथ से ना इस पासे तो चलो नहीं ड्रिप लगी थी, सज्जा हाथ मेरा ठीक ही, फिर मैनू गुस्सा चढ़िया, एक चपेड़ मैं डॉक्टर के सज्जे हाथ ना मारती, वह भी टका के मारी मैं। उसके बाद चो डॉक्टर ने मैनू ना कहता रुख हाँ तेनों मैं सीधा करा, इन्हें कि किया बाकी बंदे बुंदे बुलाए ना, तो मैनू ना माड़ा मोटा ना हैंडल हुडल कराया। उसके बाद उन्होंने मैंने ना छे मुक्के मारे होने हैं, चंडा मारिया होनी है, जिदे विचों मेरे इत्थे बड़ी बड़ी जोर जोर दी मारियां उन्हें डॉक्टर ने। उसके बाद जिले मैं उन्होंने उसके कोलों कारण पूछा कि एटलीस्ट मैनू इहदा कारण तो दसो, तो कहिंदे कारण तेरा बस यही है कि तू इदा ही ड्रामे करी जा करना, तो मैं उसके बाद चो जिदा ही मारन नूं आए ही ना मैं कहता ही कि व्हाट द हेल की प्रॉब्लम की है, क्यों मारे कर रहे हो मैनू। उन्होंने उस टाइम तो मैनू कहता कि ਕਿਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ।
मेरे वालों जी कंप्लेन दिती गई है जी, मेरे नाल बड़ी माड़ी की सर, बिना दसे एक बच्चे जिदे नाल चार पांच स्टाफ ही ते एक डॉक्टर ही, मेरे सामने सारे सामने मारिया जाए करता ही, किसी ने एक डॉक्टर ने मारे कल डॉक्टर ने मारिया, स्टाफ ने नहीं मारिया, स्टाफ ने जब तक कोई हाथ तक नहीं लगाया। उस तो पहले कहते कि कोई नर्स ने मारिया, वह मैनू याद नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि कई बार गल्ला मैनू ना चेता भुल जाती है। सर ऐसा है, वो पेशेंट को दौरा पड़ा था और वो पोस्ट एक्टल स्टेट में था। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को यूजली समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। परसों पेशेंट आया था, कल बिल्कुल शांत रहा है, कल उस बीच में जितनी बार उठा उसने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाली, मेरे दो तीन स्टाफ के लोगों को उसने दंदी काटी, बाइट किया और मारा भी है। लेकिन हम ये सोच के चुप थे कि ये पेशेंट जो है हमें ठीक करना है, पेशेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं। बट तब हद हो गई जब मैं सुबह गया, इसने मुझे गालियाँ निकाली। मैं बच्चे दी माँ आया, की गल हुई, मेरा बच्चा चार दिन तो इतने हॉस्पिटल दाखिल है, आई ना शुक्रवार दी राती है, मतलब कि घर बेहोश हो गया, दो घंटे घर बेहोश हो गया, अगे होश आ जाती है, इतों की दवाई चलती पी 20-22 दिन पहला दी, तो दवाई खाने के बावजूद ये बेहोश हो गया, दो घंटे बेहोश रहा, फिर अं इनू फटफट मुंडे नूं लै के आए इतने हॉस्पिटल। जिसलै अं लै के आए, इन्हों का स्टाफ सानू कहिंदा है कि पहला तुसीं पैसे जमा करवाओ, कहते पहले सानू 15,000 रुपया दो, अं बच्चे दिखना। मैं इन्होंने कहा, मैं क्या तुम पहले मेरे बच्चे दिखो, तो जो मेरा बच्चा थोड़ा बजा होश के आएगा मैं तेन 15,000 भी दे दाँगी। लेकिन इन्होंने ना डॉक्टर बुलाया, ना डॉक्टर फोन किया, ना इन्होंने बच्चे दिखाया, बस इन्होंने बच्चे उत्थे सुट अड़िया बैड के उत्ते। फिर मैं इन्होंने पैसे दिते, जो अं इन्हों 10,000 रुपया दिता है, फिर इन्होंने बच्चे डॉक्टर फोन करके उन्होंने कोई इंजैक्शन लगाया एक, तो फिर बच्चे होश आई है। फिर भी मैं इन्होंने कहा तुम डॉक्टर बुलाओ, इन्होंने डॉक्टर नहीं बुलाया। तो दूसरे दिन डॉक्टर कोई 12 बजे सवेरे इतने आया, तो 12 बजे आके डॉक्टर ने तो बस दिखाया या देख के तो कहा कि इनू ना वो नशे के इंजैक्शन लगा दो। नशे के इंजैक्शन इन्होंने दो तीन दिन लगातार नशे के इंजैक्शन लगाते रहे। मैं जो अंदर जाना बच्चे रोटी पानी देने वास्ते, इन्होंने कहना कि बच्चा सुते दा है, इन्होंने मैनू इन्ना अंदर भी नहीं जाना, मैं अंदर जाना इन्होंने कहना बच्चा सुते दा तुसीं बाहर चल जाओ। जो मैं बाहर आ गई, जो फिर बिचों बारी तो एक इन्होंने इंजैक्शन लगवाए दे कि राती 1:30 बजे बच्चे होश आई। फिर मैं 1:30 बजे उठ के दिखण गई हाँ, बच्चा बिल्कुल बेसुध पेदा ही, बच्चे कोई होश नहीं। मैं देख के आ गई, दूसरे दिन भी इन्होंने इस तरह ही किया, दूसरे दिन भी इन्होंने इंजैक्शन लगा के उन्होंने बेहोश कर दिता। फिर तीसरे दिन की गल, अज जो डॉक्टर तीसरे दिन ऐतवार जो आया, ऐतवार डॉक्टर साहब कितने जम्मू जाते ना, उत्थे गए पूरा दिन इन्होंने उत्थे जम्मू रहे। 12 कोई 1 बजे इतने आए होने, 1 बजे आके डॉक्टर साहब ने इतने चैक किया, वो चैक करके चल गए ना। हूँ इन्होंने कल अज जो आए हैं ना दिखण सवेरे, अज मैं सवेरे सवेरे गई बच्चे को, जिस तरह घर बच्चा करे करता ही ना, उदा ही बच्चा नशे दे विच पेदा, बेहोश पेदा ही बच्चा। जो मैं बच्चे जाके दिखिया, मैनू आया कि बच्चा मेरा 4 दिनों तो इतने पेदा है, तो कोई होश तो बच्चे है नहीं है। तो तुम फिर अं क्या तुम डॉक्टर बुलाओ, फिर डॉक्टर साहब अपने टाइम दे ही आए। जो डॉक्टर साहब आए, अं डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब देखो बच्चा जदों अं घर तो आए हुए, बच्चे की हालत उस तरह की है, कोई भी हालत के सुधार नहीं, कोई 10% का फर्क होए सानू थोड़ी उम्मीद होए, नहीं तो तुम सानू दस दो भी की गल है, तुम क्यों इस तरह रखे दा, तुम सानू कुछ दसो तो सही। डॉक्टर साहब ने इस गल का मेरी गल तो गुस्सा किया भी इन्नी गल कही है, कहिंदा तुम नहीं समझे करते, जाके अंदर आए एमरजेंसी वार्ड। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गलबात यही कि सवेरे अं आए, अं 3-4 दिन तो पहले इतने दाखिल गए, तो सवेरे अं पुछया भी तुम इन 3 दिन 3-4 दिन 3 दिन तो इन्हें बेहोश ही रखे दा, तो मतलब ये मुड़ा अं सवेरे जब अंदर गए तो मुड़ा फिर बेहोश हो गया ही, तो मैं फिर तो बेहोश हो गया डॉक्टर साहब, ये ठीक क्यों नहीं हो रहे। अं सिर्फ इन्नी गल पुछी है तो डॉक्टर साहब पहले भड़क गया मेरे से, तो कहते तुम घड़ी मुड़ी पुछते हो आ गए, इन्हें सानू अंदर नहीं जाता, अंदर जाके मुंडे को फोड़ दिता। की प्रॉब्लम की बेटे? बेटा जी 16 तरीक ना उत्थे स्कूल के डिग गया ही, तो सिर च सट लगी ही, तो उन्होंने अं इस होस्पिटल दाखिल कराया ही, उत्तों ट्रीटमेंट करके घर चल गया, फिर ठीक हो गया, फिर थोड़ा फिर अपसैट हो गया, थोड़ा बेहोश हो जाता ही है। फिर अं सू इत लै जाओ, फिर अं इत दवाई दवाए करते ही, ये कोई 2 तरीक अं इन्हें को आए हाँ, 2 तरीक की दवाई साढ़े को चले गई, तो ठीक ही मुड़ा, तो 3-4 दिन पहले बेहोश हो गया, तो यह बेहोश ना कोई 2-4 मिनट बाद होश आई थी, तो वो उस दिन ना रात को आई नहीं, 9 बजे के बेहोश होया 8:30 बजे, तो राती कोई इतने आए अं 11 बजे,
ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰੇ ਜੇ ਪੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਖਾਧੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਸਾ ਹੈ ਵੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਦੌਰਾ ਪੜਾ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਪੋਸਟਿਕਟਲ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਥਾ। ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋ ਯੂਜਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਿ ਵੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਥਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਉਠਾ ਉਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਟਾਫ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀ, ਉਨਕੋ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟਾਫ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਉਸਨੇ ਦੰਦੀ ਕਾਟੀ, ਬਾਈਟ ਕੀਆ ਔਰ ਮਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਯੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਥੇ ਕਿ ਯੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਬਟ ਤਬ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਬ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ, ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਡਾਂਟਾ ਕਿ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਸੇ ਔਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜਬ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੀ ਸਲੈਪਡ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਫੇਸ। ਅਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ? ਹਮ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਂਗੇ ਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਇਸਕਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਤਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਬੈਡਸ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਉਸਕੋ ਸਾਈਡ ਪੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜਬ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਪਕੜਾ। ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਯੇ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਸਰ, ਯੇ ਹਮੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਤਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਔਰ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਹਮੇਂ ਇਤਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸਕੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਰਨਾ ਪੜਾ। ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਪਕੜਾ, ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਪਕੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਪਕੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਇਕਦਮ ਸੇ ਔਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸਾਥ ਮੇਂ ਥਾ, ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋ 7-8 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਸਰ ਜਬ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਬ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਪੇ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ? ਯੇ ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਮਦਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਔਕਾਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਕੋ ਇਸਕੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈਏ। ਕੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੋ ਆਪਕੀ ਔਕਾਤ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹਮੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਸਰ, ਔਕਾਤ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਾਂ ਪੇ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਥਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਂ ਐਡਮਿਟ ਥਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆ ਹਾਸਪਿਟਲ ਬਣਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਬਟ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਔਕਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਅਬ ਜਿਸਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਨੇ ਵੋ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਵੋ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮਨੇ ਉਸਕੇ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਕਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ ਕੋ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇਂ ਤੋ ਭਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਉਸਕੋ ਰੋਕਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੋ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਗੇਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਕੋ ਰੋਕੇਂਗੇ, ਤੋ ਵਹੀ ਹਮਨੇ ਕੀਆ। ਅਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸਕਾ ਸਿਰ ਬੈੱਡ ਪੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੋ ਯਾਰ ਯੇ ਤੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਵੈਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲੀਜੀਏ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਕਿਊਟ ਸਾਈਕੋਸਿਸ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਕੋ ਖਤਰਾ ਥਾ, ਇਸੀ ਲਈ ਹਮਨੇ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਹਮ ਇਨਕੋ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੇ ਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸਿਵਲ ਹਾਸਪਿਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਕੋ ਬਾਂਧਨਾ ਤੱਕ ਪੜੇ। ਮੈਨੇ ਯੇ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ ਉਨਕੋ